गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड टुडे योर न्यू चैप्टर चैप्टर 5 नॉर्दर्न प्लेन्स. इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द लोकेशन फिजिकल फीचर्स क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड मेन क्रॉप्स ऑफ द सतलुज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन. अंडरस्टैंड? अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इनकी फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, यहाँ की क्लाइमेट के नॉर्दर्न प्लेन्स की जो क्लाइमेट है, वेजिटेशन कैसी है, वाइल्ड लाइफ के बारे में और मैन क्रॉप्स कौन कौन सी है जो यहाँ पे सतलुज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स है उनके बारे में रीड करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. तो विथ योर पार्टनर लुक एट द इमेज गिवन इन फिगर फर्स्ट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. शेयर द आंसर विथ क्लास. देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहा है, कितना शानदार लग रहा है. तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है हमारे, तो हम उसको स्टडी करते हैं. दिस इज द इमेज ऑफ द फील्ड्स लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ये हमारे उत्तरी क्षेत्र के मैदान है भारत में, तो उसका क्षेत्र मतलब उसका क्षेत्र बताया गया है ना, तो खेत के बारे में बताया गया है. द सरफेस ऑफ द लैंड इज, अब इसका जो सरफेस होता है लैंड का वो कैसा है, फ्लैट है. कैसा है, फ्लैट है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द एरिया डू फार्मिंग. क्या करते हैं कि अधिकतर लोग इस क्षेत्र की फार्मिंग करते हैं, बिकॉज वाटर इज इजिली अवेलेबल एंड सॉइल इज फर्टाइल. यहाँ क्योंकि हमें पानी तो आसानी से मिल ही जाता है और यहाँ की जमीन जो है वो भी कैसी है, उपजाऊ है. आई थिंक दैट वाटरिंग द फील्ड्स इज ईजी बिकॉज मैनी रिवर्स फ्लो इन दिस एरिया. और मैं सोचती हूँ कि जो वाटरिंग द फील्ड है ना वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ के रिवर्स क्यों हो जाता है, क्योंकि पानी देना पौधों में, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी नदियाँ मतलब पानी बहता रहता है. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स मेक रोड्स एंड बिल्ड हाउस ऑफिसेज ब्रिजेज, है ना. देखिए, हम ये आसान हो जाता है, देखिए यहाँ पे फसल भी तो उगेगी, सड़कें भी बनती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर. हम देखो अब क्या क्या बन सकता है, हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे यानी मैदान होंगे तो उसमें घर भी तो बनेंगे, अब और क्या बनेंगे, पुल भी बना सकते हैं, ऑफिस कार्यालय भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स भी बन सकती है, ये सब बनेंगे. ऑन द फ्लैट लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, कहाँ पे, जहाँ पे फ्लैट लैंड होगी तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ही है ना. देयरफॉर मैनी पीपल प्रेफर टू लिव इन दिस रीजन, और अधिकतर इसी कारण बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं. देखिए, ऐसे क्षेत्र में कौन नहीं रहना चाहेगा, और हम सब नॉर्दर्न प्लेन्स ही है ना. मत देखिए, हम राजस्थान में रहते हैं, हमारा जो रीजन है वो ड्राई है, लेकिन हम फ्लैट सरफेस तो कह सकते हैं उसे. लेट्स ट्राई फर्स्ट विद इन पेयर्स लुक एट द मैप. अब सेकंड हम मैप देखेंगे, शोइंग द फिजिकल डिविजन्स ऑफ ए पार्ट ऑफ इंडिया एंड राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज डेट लाई ऑन द कोस्टल प्लेन्स. अब यहाँ पे हमें बताना है जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताना है जो हमारे कोस्टल प्लेन्स पे स्थित है. तो अब देखिए, हम कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी, मैंने यहाँ पे लिखा है डाउन साइड में, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है. चंडीगढ़ आप जानते हो ना, मैं यूनियन टेरिटरीज में आती है. दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा भी इसी में आता है. झारखंड है, आसाम है, त्रिपुरा है, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के ही कोस्टल प्लेन्स है यहाँ पे. गुड, ओके, कंप्लीट. तो फिजिकल डिवीज़न है जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है, जिस जो कहाँ पे स्थित है, कोस्टल प्लेन्स में है, तटीय मैदानों में स्थित है. तो समझ गए आप सभी, ये तटीय मैदानों के क्षेत्र हैं. नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट द नॉर्दर्न प्लेन्स. अब देखिए, हमने इतनी चीज़ों की स्टडी किया, अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर द लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लेवर्ड लैंड कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स. जब हम ये दक्षिण की तरफ जाते हैं तो नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है ना हमारे, वो क्या होते, बड़े क्षेत्र में फ्लैट है, लेवर्ड लैंड होती है, यहाँ की जमीन भी इस लेवल में है, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट. नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पंजाब से स्टार्ट होते हैं वेस्ट में, एंड गो ऑन टिल आसाम इन द ईस्ट. और कहाँ तक जाते हैं, आसाम तक जाते हैं, ईस्ट के अंदर पूर्व में. मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज फ्लो डाउन टू द नॉर्दर्न प्लेन्स. और बहुत सारी नदियाँ हैं ना जिनका उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिनेट होना यानी उत्पन्न होना,
हिमालय से उत्पन्न होती है और जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो होती है यानी बहती है। दिस रिवर्स ऑल्सो ब्रिंग विथ देम ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक स्लीट सैंड एंड अदर मटेरियल विच आर डिपोजिटेड बाई देम इन द प्लेन्स। दिस रिवर, अब ये नदियाँ जब फ्लो होके आती है तो अपने साथ में क्या लेके आती है, चट्टानों के टुकड़े भी लेके आती है, स्लीट लेके आती है। स्लीट किसे कहते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना उसे स्लीट कहा जाता है। सैंड भी होती है, रेत भी होती है और अन्य दूसरा सामान भी होता है, मटेरियल भी होता है। तो विच आर डिपोजिटेड, वो कहाँ डिपोजिट कर देती है, कहाँ जमा कर देती है उनको, इन द प्लेन्स, मैदान में जमा कर देती है। यानी अब देखो वो निकलती बह के आगे बढ़ती जाएगी तो प्लेन्स में मिट्टी तो जमा होती जाएगी ना वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एलोवियम, इसे हम क्या कहते हैं, जलोड मिट्टी का नाम देते हैं इसे, ठीक है। द एलोवियम मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और ये जो जलोड होती है वो मिट्टी को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है और ये हमारी फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। लेट्स ट्राई सेकेंड, अब देखिए फिर अगेन एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टुवर्ड द, अभी हमने स्टडी किया ना नॉर्दर्न प्लेन्स किधर की साइड में आता है, साउथ में, ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, और कौन से नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है उसके साउथ की तरफ है। द लैंड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज लेवल एंड फ्लेट, जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो जमीन है वो लेवल में है और फ्लेट भी है। मैनी रिवर्स विच स्टार्ट इन हिमालयाज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो हिमालय से स्टार्ट होती है और बहती हुई नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ जाती है। फ्लो थ्रू द यानी इसकी नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ बहती है। द सोइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फर्टाइल बिकॉज ऑफ द एलोवियम डिपोजिटेड बाई द रिवर्स इन दिस रीजन। और जो नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी होती है ना वो कैसी होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि जो जलोड होती है ना, जो जमा की हुई मिट्टी से इस क्षेत्र में जो डिपॉजिट की होती है नदियों के द्वारा, उससे बनती है। लेट्स ट्राई थर्ड, विद इन पेयर्स लुक एट द मैप शोइंग द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ट्रेस द पथ ऑफ रिवर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ रिवर ज्वाइनिंग द रिवर सतलुज एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब देखिए अंडरलाइन करना है यहाँ पे, तो इसमें जो ज्वाइनिंग की गई रिवर सतलुज को, देखिए अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द रिवर्स ज्वाइनिंग द रिवर सतलुज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र को हमें अंडरलाइन करना है। तो रिवर सतलुज जो है उसमें कौन सी नदी जो है, बींस नदी जो है वो जो किससे कनेक्टेड है, पंजाब अमृतसर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पंजाब सतलज नदी का यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको यही पॉइंट्स को ध्यान रखना, सतलज नदी जहाँ पे बींस, इसकी जो ट्रिब्यूटरी नदी कौन सी है, सतलज है। गंगा, अब देखिए गंगा की जो है वो कौन सी ट्रिब्यूटरी, यमुना भी है, गोमती है एंड सोन नदी है, ये गंगा बेसिन की है और इसकी सहायक नदियाँ भी है, ठीक है ना। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको बाद में। देखिए गंगा आपको नज़र आ रहा है, गोमती भी नज़र आ रही है, यमुना नदी नज़र आ रही, आ रही ना, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदी है। अब जो नेक्स्ट हमारी जो रह रही है वो ब्रह्मपुत्र की है, ओके। तो ये और अदर्स नदियाँ, तो इनको हम डिटेल में जो हमारी जैसे जैसे चैप्टर में क्लियर होते जाएंगे वैसे हम और ज़्यादा स्टडी करते जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट द रिवर बेसिन्स, सतलुज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, हमारी नदियाँ की जो बेसिन्स है वो कौन कौन से हैं, सतलुज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। द थ्री मैन लार्ज रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स आर सतलुज इन द वेस्ट, द गंगा इन द सेंटर एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। तीन मुख्य नदी, बड़ी नदियाँ हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स के में बहती है, जैसे कि सतलुज है वो वेस्ट में बहती है, गंगा जो है हमारे केंद्र में होती है सेंटर में, और ब्रह्मपुत्र कहाँ है, हमारी ईस्ट में। एज दिस रिवर्स फ्लो अक्रॉस द नॉर्दर्न प्लेन्स, मैनी स्मॉलर रिवर्स लाइक द बींस, यमुना, सोन, लोहित एंड तीस्ता ज्वाइन देम। जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ती जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स से, बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जैसे बींस नदी है, यमुना नदी है, सोन नदी है, लोहित नदी है और तीस्ता नदी है, ये सब उसको ज्वाइन करती चली जाती है। द रिवर्स डैट जॉइन द मैन लार्ज रिवर्स आर नोन एज द ट्रिब्यूटरीज, और जो नदियाँ हैं ना जो मुख्य बड़ी नदियों से कनेक्ट हो जाती है उसे हम उनकी सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है, उनकी सहायक नदियाँ। अब देखिए हमारे रिवर बेसिन तो थ्री है लेकिन नदियाँ तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन वो किससे मिल रही है, वही उसकी सहायक नदी बन जाती है फिर। द एरिया वाटर्ड बाय द मैन रिवर
एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन। जब क्षेत्र जो होता है जो पानी का मुख्य नदी से के द्वारा बनता है और इसकी सहायक नदियों से, उसे हम बेसिन कहते हैं। दिस बेसिन्स आर वेरी फर्टाइल एंड देयर सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और इसका जो बेसिन होता है, जो इसका क्षेत्र बन जाता है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है और मिट्टी भी यहाँ की क्रॉप्स के लिए उपजाऊ रहती है। देयर आर थ्री मेजर रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और थ्री है, अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, द सतलुज बेसिन है, गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है। ओके, लेट्स ट्राई फॉर। अब देखिए, जो जितनी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर भी साथ के साथ लर्न होता चला जाए। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में पहले हमारे थ्री ब्लैंक्स दिए गए और उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी है नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो सतलज नदी आई है, गंगा भी है एंड ब्रह्मपुत्र है। ओके, अब नेक्स्ट, ए रिवर डेट जॉइंस ए लार्ज रिवर इज नोन एज इट्स। एक नदी जो होती है जो बड़ी नदी से ज्वाइन हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक, ठीक है ना। एक नदी मान लीजिए बहती हुई आती है और वो बड़ी नदी से मिल जाती है, तो वो उसकी सहायक बन जाती है। नेक्स्ट, द एरिया वाटर्ड बाई द मैन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन। क्षेत्र जो पानी देता है मुख्य नदियों को और उसकी सहायकों को, उसका बेसिन कहलाता है, ठीक है। द थ्री मेजर रिवर बेसिन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तीन मुख्य नदियां हैं, उसके बेसिन जो तैयार हुए हैं हमारे नॉर्दर्न, सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। प्रशांत लिव्स इन ए रिवर बेसिन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ही डज फार्मिंग बिकॉज द लैंड हियर इज वेरी फर्टाइल। प्रशांत जो कि रिवर बेसिन नॉर्दर्न प्लेन्स में रहता है भारत के, और वो खेती करता है, क्योंकि क्यों करता है, क्योंकि वहाँ की जमीन वेरी फर्टाइल है। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ तक रीड करेंगे उसको ढंग से और आगे समझने की कोशिश करेंगे। और ये कंप्लीट एक्टिविटीज़ है, आपको अपनी बुक में ही फील करना है और बुक के जरिए ही इसको रीड भी करना है। ओके एंड थैंक यू।